Happy birthday. क्या? जन्मदिन मुबारक। मॉम कहाँ है? वो हमेशा मेरे बर्थडे पर केक बनाती हैं। ओह हाँ। तुम्हारा केक क्यों रहा? मॉम, बाहर आओ। अरे ये मजाक है। असली केक अभी आने वाला है। नहीं, वो नहीं लाएंगे। वो हमें छोड़ गई हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो कहाँ चली गई? वो चली गई उसके साथ। सिंगर डिलेन ने गाना गाया कि क्रश ऑन योर मॉमी। सिंगर के लिए? पापा, क्या ये मजाक है? बिल्कुल नहीं एरियल, ये जोक नहीं है। वो हमें छोड़ के चली गई पैसों के लिए। हैप्पी बर्थडे ईवा। क्या बकवास है, ये हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब बर्थडे है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? ओ कॉटन कैंडी। तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अब मजा चखाती हूँ। तुम डिलेन को क्या बोल रही हो? मॉम ने हमें छोड़ा है, वो इस सब की जिम्मेदार है। ये कितना सुंदर है। मैं इसकी फैन कैसे हो सकती हूँ? मैं इसके सारे गाने भूलना चाहती हूँ। मेरा जन्मदिन बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। मॉम ने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया। बहन परेशान मत हो, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। मैं उसे कॉल करके बताती हूँ। मैं उन्हें कॉल करके सब बताती हूँ। ये बहुत बुरा हो रहा है, हमारे डैड को कैसा लग रहा होगा? वो वहाँ अकेले परेशान हो रहे हैं। हाँ, उन्हें हमारी जरूरत है। चलो हमें डैड के पास होना चाहिए। ओह कॉटन कैंडी। शिट, मैं फिर उस गधे का गाना गा रही हूँ। केसी, उसके बारे में भूल जाओ। चलो मैं तुम्हें चुरा लूंगा। पापा आप कैसे हैं? क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? मुझसे दूर रहो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन हम तो बस आपको हौसला देना चाहते हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। सच कहूँ तो हमें भूख लगी है। ये मेरा है, तुम इसे नहीं ले सकते हो। आई थिंक डैड सदमे में है। हाँ, वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से खा रहे हैं। ओह रहने दो। क्या आप पागल हो गए? लड़कियों चलो खाते हैं। तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरा आखिरी खाना तक खा गई हो। तुम भी मुझे छोड़ के जाने वाली अपनी बिल्कुल माँ की तरह। नहीं डैडी, हम कहीं नहीं जा रहे। लड़कियों तुम भी लो। ईवा, ये सही नहीं है। डैड, हमें खाने के लिए पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब आपने मुझे छोड़ दिया, जैसे तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया। पापा रो मत। तुम्हें खुद जॉब करनी पड़ेगी लड़की हो, ठीक है? हमें डैड की मदद करने की जरूरत है। क्योंकि ये आप लोगों का पहला काम है, इसीलिए मैं आपको सबसे आसान काम दूंगा, लेकिन सैलरी ज्यादा नहीं होगी। तुम इन फ्लायर्स को बाहर बांटोगी और तुम पिज्जा डिलीवर करोगी और
तुम्हें सारे बर्तन धोने हैं। अरे उसे सबसे आसान काम क्यों मिलता है? काम से रिलेटेड कोई और सवाल? नहीं। प्लीज एक फ्लायर ले लो, एक फ्लायर ले लो, प्लीज प्लीज एक फ्लायर ले ले। आप प्लीज एक फ्लायर ले ले, अगर आप फ्लायर नहीं लेंगे तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे, प्लीज। एक फ्लायर ले ले, तुम बहुत सुंदर हो, प्लीज। एक फ्लायर ले ले, प्लीज प्लीज एक फ्लायर ले ले, प्लीज। हे भगवान, इस तरह मैं पैसे कभी नहीं कमा सकती। पता नहीं केसी कहाँ है, उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था, मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। बाहर में जाइए सारे के सारे फ्लायर्स। अरे यार, लिफ्ट काम नहीं कर रही। हे भगवान, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं खाना चाहती हूँ। कमाल की खुशबू है, मुझे ये पिज्जा खा लेना चाहिए। गुलाबी टैटू। मुझे बहुत ठंड लग रही है। केसी, वो रही, उसे इतना समय क्यों लग रहा है? गुलाबी टैटू। मैं फिर से डालन का सॉन्ग गा रही हूँ। केसी, केसी, क्या तुम पागल हो गई हो? इसे डिलीवर करना है, इसे खाना बंद करो। ईवा, मुझे भूख लगी है। हे भगवान, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी भूख लगी है। खा लो, मैंने पहले इसे बर्बाद कर दिया है वैसे भी। कितना स्वादिष्ट है। केसी, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, है ना? नहीं, हम कह देंगे कि हमने पिज्जा डिलीवर कर दिया है। तुम्हारी बहन ने कहा है एरियल, इस पास्ता को उस टेबल पर ले जाओ। तुम कहाँ थी? मैंने अब तक खाना भी नहीं खाया है। मैं करती हूँ। नहीं, मैं ले जाती हूँ। मैं ले जाऊंगी। मैं ले जाऊंगी। मैं ले जाऊंगी। प्लीज हमें माफ कर दो। बहुत खराब सर्विस है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे नहीं, ये हमने क्या कर दिया? क्लाइंट ने मुझे कॉल करके बोला कि उसे पिज्जा नहीं मिला अभी तक। ये क्या किया तुम लोगों ने? प्लीज हमें माफ कर दो, हम सब ठीक कर देंगे। अभी तक तुमने कितने फ्लायर्स बांटे? थोड़े से। हे भगवान, तुम दोनों किसी काम के लायक नहीं हो। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। उफ, सब गड़बड़ हो गया, अब मुझे ही पैसे का इंतजाम करना होगा। हेलो, तुम यहाँ छुप क्यों रही हो? अब मैं समझा, कोई बात नहीं, यहीं बैठो। वैसे मैं जैक हूँ, मैं भी एक वेटर हूँ। एरियल, मिलकर अच्छा लगा। लगता है मुझे जुकाम हो गया है। हम सच में लूजर्स हैं। हाँ, अब हम पर तुम्हारे पिज्जा के लिए भी फाइन लगेगा। सब गड़बड़ हो रहा है। पिज्जा तुमने भी तो खाया था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे एक दिन भी ढंग से काम नहीं होता क्या? अब इस घर में पैसा कमाने वाली मैं ही अकेली हूँ। ओह, ये तो पैसा है। ये हमारा पैसा है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता है मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे जूते फट चुके हैं। मेरा पैर जब गीला होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सबसे अच्छी बात ये हुई है पापा कि आप बीमार नहीं हुए। डैडी, क्या आप हमारे लिए कुछ खाने को लाएंगे? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी चीज है कि मुझे अपने जूते लेने चाहिए। जरा देखो तो इनको। उफ, बहुत तेज भूख लगी है डैड। घर में थोड़ा सा खाना है, तुम ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा। पापा, मुझे दवाई चाहिए। वो, ये सबसे ज्यादा बेस्ट हैं बाकियों में से। डैडी, मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए।
मेरी बच्ची, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। मैंने अभी तो बिल पे किया है। तुम कुछ दिन के लिए रुक जाओ प्लीज। मैंने अभी अभी जूते मंगाए हैं। ये देखो मेरा मोजा तो फट चुका है। पर डैड मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। ये सच में बहुत बुरा है कि तुम्हें अभी फीवर आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बिजली और पानी तक बंद हो जाए। पापा क्या आपको हमारी परवाह नहीं है? तुम आखिर ये सब क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ दिन और इंतजार कर लेती हूँ। ठीक है। वो बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। पुदीना सपने देखता है, गाना मेरे सिर में फंस गया है। रोना बंद करो, मैं खाना ढूंढ रही हूँ। लड़कियों, डैड कुछ छिपा रहे हैं हमसे। उन्होंने मुझे दवाई तक के पैसे नहीं दिए। जरा देखो उन्होंने बिल भी भरे हैं या नहीं। ये रहे बिल। हाँ? ये नहीं चुकाया गया है, और ये भी नहीं चुकाया, और खाना भी नहीं है, तो फिर उन्हें चाहिए क्या? और ये क्या है? मम्मी का लेटर। कोई लेटर्स नहीं है, लाओ उसे मुझे दो। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे उस धोखेबाज की याद मत दिलाओ, वो भी मेरे घर में। तो मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो? इससे मुझे दुख पहुंचा है। वो सच में पागल हो चुके हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ गई? क्या बकवास है। हाँ, तुम यकीन नहीं करोगे वो किसके साथ चली गई। तुम सिंगर डिलन को जानते हो? वाओ, क्या डिलन हमारे कैफे में आया है? वाओ डिलन, क्या मैं आपके ऑटोग्राफ ले सकती हूँ? कितना घटिया आदमी है, ऐसे बैठा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो एक सुनहरा अवसर है, वो हमें बहुत सारी टिप देकर जाएगा। हेलो, ये आपके लिए हमारी तरफ से स्पेशल। हेलो डिलन, मैं आपकी फैन हूँ, खास तौर से वो गाना टट्टू वाला। बहुत शुक्रिया, बहुत हो गई काली मिर्च। नहीं, इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें तो मसाला पसंद है ना? रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे जवाब दो, मेरी माँ कहाँ है? किसकी मॉम? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरी मॉम कहाँ है वो? एरियल रुक जाओ, ये हमारे मेहमान है। अच्छा, क्या तुम सच में पागल हो? मैं किसी को नहीं जानता, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आया हूँ। तो खाओ, ये लो, तुमने मेरे परिवार को तोड़ दिया। क्या तुम पागल हो? अरे ऐसा मत करो। तुम सब यहाँ पागल हो, मैं सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखूंगा, कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। ये तुमने क्या कर दिया एरियल, अब वो तुम्हें जॉब से निकाल भी सकते हैं। मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं बस अपनी माँ को वापस चाहती हूँ। फिक्र मत करो, हम उन्हें वापस ले आएंगे। अरे यार, मैं सबसे तंग आ चुका हूँ। कागज में क्या है? एरियल, हाय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह, हेलो डैडी, मैं अभी काम से वापस आई हूँ। तुम छिपा क्यों रही हो? लाओ उसे मुझे दो। अरे वापस दो, वो मेरे पैसे हैं। ईवा को दवाई की जरूरत है। आपको अचानक ईवा की याद कैसे आ गई? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। देखते हैं आपने क्या फेंका है डैड। अब आखिर ये सब क्या है? हेलो, ये आपके लिए है। ये क्या है, उन्होंने क्या मंगाया है? रुको, मुझे भी सुनने दो। ओ, एक लेटर भी है, किटी की तरफ से। उसने क्या कहा? किटी की तरफ से? मुझे नहीं पता, तुम्हारी वजह से मैं सुन नहीं पा रही। दफा हो जाओ, समझी? वो 100% मॉम का लेटर है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो डैड का ध्यान बांटते हैं और फिर हम चलेंगे अपनी चाल। हमें सोचना होगा इसे कैसे करें।
मेरी प्यारी चीज, अब मैं सारे गेम इसमें डाल पाऊंगा। वो लड़कियों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बताओ? पापा, हम आपके लिए केक लाए हैं। ये सच में बहुत मजेदार है, चॉकलेट। इसकी खुशबू तो अच्छी है। डैडी, हमने आपको खुश करने के लिए अपना आखिरी पैसा भी खर्च कर दिया ताकि आप मॉम को लेकर दुखी ना हो। अब हाँ बिल्कुल, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। लाओ से मुझे दो, इसके हर एक पीस को चाट चाट के खाऊंगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारी मॉम इससे मुझे सच में हेल्प हुई है। तुम लोग जाओ लड़कियों, ठीक है? अरे खा लिया और अब वो सोए पड़े हैं। चलो अब जल्दी से चलते हैं। चलो बाहर चलो, पोस्टमैन फिर से हाथ से ना निकल जाए। मॉम का मसला कुछ अजीब ही है। डिलन के बारे में कोई न्यूज़ भी नहीं है। मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है, क्या करूं मैं? ओके, हेलो हेलो जैक, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लगता है मॉम ने हमें यूं ही नहीं छोड़ा, डैड हमसे कुछ छिपा रहे हैं। शायद उनके पास झूठ बोलने की कोई ठोस वजह होगी। देखो इन्हें, ये बहुत सुंदर हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उन्होंने डिलन के लिए हमारे डैड को छोड़ दिया। और तुम भी उन्हीं की तरह बहुत ही खूबसूरत हो। हे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ था। अच्छा वैसे डिलन का क्या? हाँ, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो तुम्हारी मॉम को जानता तक नहीं। अरे रुको, ओ मुझे याद आया, डैड ने कुछ फेंका था। ओ, ये है क्या? एक जीती हुई लॉटरी की टिकट? क्या? मॉम का नाम इस पर है। तो उन्होंने लॉटरी जीती और एक अच्छी जिंदगी के लिए भाग गई यहाँ से? हाँ शायद, और डैड उनके सारे लेटर फाड़ रहे हैं। क्यों? शायद उन्हें उनके जाने का दुख है, या फिर वो तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। बिल्कुल सही, क्या हमें उनकी तलाशी लेनी चाहिए? मुझे कहना चाहिए कि तुम पागल हो, लेकिन ये तो मैं पहले ही जानता हूँ। चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो मुझे समझते हो। ओह गॉड, वो कहाँ है? शायद वो नहीं आने वाली। पता नहीं, शाम की पोस्ट आने वाली है। गर्ल तुम यूनिवर्स हो। फिर डालन का गाना। वो वहाँ है, वो डैड है। मुझे दे दो। ना, मुझे वो दे दो। नो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। हम जानना चाहते हैं मॉम ने क्या लिखा है। मैं अब आपको और जबरदस्ती नहीं करने दूंगी, दूर हटिए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम सभी को सजा मिलेगी, क्योंकि वो भाग गई तो तुम इसका जवाब दोगी। पापा, मैंने क्या किया? चलो मेरे साथ, तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, ये दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? एरियल, तुम कहाँ हो? ऐसा नहीं हो सकता। ईवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई थी। हाँ, क्या दिखाने के लिए? तुमने पूरा मूड खराब कर दिया। एरियल शांत हो जाओ, इसमें उसकी गलती नहीं है। मैं इस फैमिली से तंग आ गई हूँ, सब पागल हैं यहाँ। क्या, क्या तुम पागल हो? मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ, मैं अकेले ही काम क्यों करूँ? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब है एरियल, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम परेशान हो? लड़कियों, प्लीज लड़ना बंद कर दो, तुम दोनों बहने हो। चलो चलते हैं जैक, अब इस पागल फैमिली से मुझे और कोई नाता नहीं रखना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। डैड, गंदगी करना बंद करो, मैं सफाई कर रही हूँ। साफ करो साफ करो, ये फ्लोर अच्छे से चमकना चाहिए, ठीक है? मैं थक गई हूँ, मुझे भी चिप्स चाहिए। इसके लिए माफ कर देना, वो तो खत्म हो गए, और इसे भी साफ कर देना। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं इस सब की अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, वो सब मजे कर रहे हैं और मैं काम। उन्हें भी सजा मिलेगी, तुम इसकी चिंता मत करो। थोड़ा यहाँ पर भी साफ करना। बस इतना ही काफी है, मुझे अब ब्रेक चाहिए, मैं नौकरानी नहीं हूँ। सिर्फ 5 मिनट और इसके बाद तुम ये सब साफ करोगे। बिल्कुल डैडी, मैं भी भाग जाऊंगी, मैं उन्हें ढूंढूंगी और उन्हें सब बता दूंगी। ये
ये लड़कियाँ मेरे सर का दर्द हैं, जाहिल और आलसी, मुझे पागल बना रखा है। एरियल शांत हो जाओ, इसमें उनकी गलती नहीं है। देखो अभी तो बस हमारा इतना काम है कि तुम्हारे पेरेंट्स को एक्सपोज करना है, हम कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, मेरा भरोसा करो। जैक, मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू, तुम वाकई बहुत कमाल के हो। और तुम भी, और अब हम तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और सब पता लगा लेंगे। हाँ, मेरे डैड को छुपा रहे हैं, बहुत झूठे हैं वो। चलो अभी चलते हैं। एरियल क्या हुआ, तुम अब तक खड़ी क्यों हो? तुम सबसे अच्छे हो जैक, मुझे लगता है आई लव यू। क्या बकवास कॉफी है। ईवा, क्या बात है? ईवा, उधर देखो जरा। तुम मेरे पिज़्ज़ा हो और मैं तुम्हारा बर्गर। वो डायलन है, मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन वो बहुत प्यारा है। कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत। तुम्हारी बहन ने उसके साथ जो किया वो किया, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ आया है क्योंकि मैंने उसे बहुत मुश्किल से मनाया है। वो पागल यहाँ क्या कर रहा है? हमारी मॉम कहाँ है? कमाल है। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी फैन हूँ डैलन। आपने मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया, लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे कॉटन कैंडी गाना बहुत ज्यादा पसंद है। केसी, क्या बकवास है, वो खराब आदमी है। मैं तुम्हारी मॉम को जानता तक नहीं, मैंने किसी से किसी को नहीं छीना। क्रश ऑन योर मॉम सिर्फ एक एल्बम का नाम है। क्या बकवास है यार ये तो। अरे रुको रुको, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपने हमारी मॉम किटी को हमसे छीन लिया। क्या बकवास है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला अकेला। अरे रुको। हाँ, ईवा सही कह रही है, बेवकूफ। मुझे लगता है शायद वो सच में नहीं जानता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? मैं भाग आई क्योंकि तुमने मुझे डैड के साथ अकेला छोड़ दिया था। तुम ये कैसे कर सकती हो, जब तुम लोग मस्ती कर रहे थे मैंने पूरे घर की सफाई की। क्या तुम पागल हो, मैंने वो लेटर रख लिया है और एरियल भी अपने जैक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई है। अब हमें खुद ही सब कुछ पता लगाना होगा। क्या पागलपन है, वैसे वो लेटर कहाँ है? मैं तुम्हें इस हफ्ते लेने आऊंगी, विद लव मॉम। वो हमें नहीं भूली। सुनो, हमें अभी घर जाना चाहिए, अगर वो वापस आई और हम नहीं मिले तो क्या होगा? बिल्कुल सही, चलो जल्दी वरना वो हमारे बिना चली जाएगी। ओह गॉड, कितना डरावना है। फ्यू, अब ठीक है। यह आखिर है क्या, जरा देखो इसे। वाओ, ये मॉम की तस्वीरें हैं। और वो क्या है, जैक देखो। उन्होंने किसी तरीके का प्लान बनाया है। वाओ, ये किडनैपिंग का प्लान है। नहीं, डैड ऐसा नहीं कर सकते, ये बकवास है। एरियल, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, डैड का स्ट्रेंज बिहेवियर, उनके मॉम के लेटर को फाड़ना, और तो और डिलन, जिसे पता नहीं है कि मेरी मॉम कौन है। मैं यकीन नहीं कर सकती जैक, ये सच नहीं हो सकता। एरियल, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है मैं सही हूँ। देखो इसे। अरे नहीं, क्या उन्होंने मॉम को बांध दिया था? जैक, मुझे मॉम के लिए डर लग रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। शायद हमें अभी पुलिस को बुलाना चाहिए। रुको, वो लॉटरी टिकट,
उसका इस सब से क्या लेना देना है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चलो पुलिस को बुलाते हैं, तब तुम्हारे डैड तोते की तरह सब बोलेंगे। नहीं जैक, चलो ये सब लेते हैं और उन्हें दिखाते हैं। हम उनसे कहेंगे कि हम सब जानते हैं और उनसे पूछेंगे। ये तो खतरे से खाली नहीं है, अगर वो साइको निकले तो? नहीं, मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। मैं उनसे सब साफ साफ सुनना चाहती हूँ जैक। मुझे लगता है कि मॉम पहले से यहाँ है। ओह नहीं, वो लड़ रहे हैं। बस मॉम ठीक हो। जैक तो पहले से ही बहुत पागल हुए पड़े हैं। शांत, क्या तुमने सुना? ये मॉम की आवाज नहीं है। अरे शांति से बात करते हैं ना। और जैक, वो पापा पर क्यों चिल्ला रहे हैं? एल को शायद कुछ पता चल गया है। चलो चलकर छुपकर सब सुनते हैं। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। घर के अंदर चलते हैं। चलो लिविंग रूम की खिड़की से चलते हैं। क्या तुम पागल हो? मैं खिड़की से नहीं जा सकती। चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी, हम सब बर्बाद कर रहे हैं। चुप रहो। सॉरी, यहाँ आओ। सुनो, क्या चल रहा है इधर? मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ। आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि हुआ क्या है? ये सब क्या है, अभी बताओ मुझे। ये क्या है, बताओ मुझे अभी। मुझ पर चिल्लाना बंद करो, ठीक है? मैं हमेशा रस्सियों को वहाँ पर छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे सब पसंद है। तो फिर ये क्या है, बताइए जरा आप। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे घर में ऐसे बात करने की? आप कौन हो? आपने मॉम को किडनैप कर लिया और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। यू जर्क। मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। तुम पता नहीं आजकल क्या क्या सोचने लग गए हो। ए, ये रियल को हाथ मत लगाना, समझ गए तुम? मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना नेट। मॉम, मॉम। किटी, कैसी हो तुम? तुम्हें याद आ गई कि तुम्हारा परिवार है? मॉम, तो इन्होंने आपको किडनैप नहीं किया था? आखिर ये सब चल क्या रहा है? हाँ डार्लिंग, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम, ये क्या पागलपन है? तो मैंने बताती क्यों नहीं कि तुम कहाँ पर गई थी, ताकि मुझ पर नाम लगाना बंद कर दें। शट अप नेट, तुम एक खराब इंसान हो। मॉम, हमें सब बताओ। ठीक है, ये तब शुरू हुआ जब मैंने लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीता और तुम्हारी एजुकेशन में खर्च करने का फैसला किया। मैंने इसके बारे में तुम्हारे पापा को बताया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो लॉटरी का सारा पैसा हड़पने का प्लान बना रहे थे। फिर मैंने गैराज में जाके देखा कि मुझे किडनैप करने की प्लानिंग कर रखी है। मैं जानती थी कि वो थोड़े पागल तो हैं, लेकिन इतने पागल हैं ये तो नहीं पता था मुझे। फिर मैंने सोचा अपना पैसा और अपने आप को बचाने के बारे में। मैंने और कुछ सोचा ही नहीं, मैं बस कार में बैठी और चलती चली गई। तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है कि हम इस पर यकीन करेंगे? मॉम, इतना सब, उफ। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे वाह, ढालन ने कुछ नहीं किया। एरियल, क्या तुम अपनी मॉम के साथ जाने वाली हो? तुम अभी कहीं पर नहीं जा रही हो। नहीं नेट, हम जा रहे हैं। चलो चले लड़कियों। गुलाबी टैटू। नहीं, रुक जाओ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? लड़कियों, कार वो रही, भागो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? धोखेबाज, तुमने एक कहानी बनाई ताकि मेरी बेटियाँ तुम पर यकीन कर लें। एरियल बेटा, क्या तुम मेरे साथ रुकोगी? तुम झूठे और मक्कार हो। तुम मेरा पैसा चुराना चाहते थे। कहाँ है मेरा लॉटरी का टिकट? हाँ, मैंने उसे घर पर छोड़ा था। यहाँ पर है, ये लीजिए। इस टिकट से कुछ नहीं होता है। वो तुम्हारे नाम पर थी और वो मुझे पैसा नहीं देने वाले। कम से कम मेरी एरियल को तो एक जॉब मिल ही गई है। तुम पागल हो गए हो? तुमने एरियल को पैसों के लिए इस्तेमाल किया? एरियल प्लीज चलो। मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ। क्या अजीब फैमिली है, आप सब पागल हैं। मैं अपने जैक के साथ जा रही हूँ। वो अकेला है जो मुझसे प्यार करता है। चलो चलते हैं जैक, मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। प्लीज चलो। स्वीट हार्ट, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी नेट। तुम इसी के लायक हो। तुम हमारे पैसे को बेकार की चीजों पे उड़ाने वाली थी। मॉम, आप प्लीज चलिए अब। जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम अपनी बेटियों का भला नहीं सोच सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं कि उनको अपना बाप कहो। चलो लड़कियों, टैक्सी में बैठ जाओ। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा, तुम मुझसे नहीं भाग सकती।
पोस्टमैन हूँ और मैं एक लेटर लाऊंगी, लेकिन कैसी? सही है। ओह, मिस डेलिन से तंग आ गई हूँ। मैं नहीं करूंगी। डेलिन। हेलो, वैसे तुम यहाँ पर क्यों छुप रही हो? वैसे अच्छी जगह है, बैठी रहो यहीं पर। अच्छा, आप समझा। डैड, हमें खाना खाने के लिए पैसे दो। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपनी लाइन। मैं इन सबसे तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारा कब तक खर्चा उठाऊंगी? ये था। अब हम सब ये ले लेंगे और ये सब ले लेंगे, मुझे याद नहीं, मैं आपकी फैन हूँ। मेरे बच्चों को मत छूना नेट। डैड, मुझे दवा के लिए पैसे चाहिए। मुझे तो ये याद ही नहीं है। ये बहुत ही वैसे बहुत ही